Assalamu alaikum dear students, in my previous video I was started a dozen roses poem. अब उसी की आगे की working हम start करेंगे. यहाँ तक की working मैंने आप लोगों को करवा दी थी, verbs मैंने आप लोगों को समझा दिए थे. यहाँ तक की working हमने done कर ली थी. अब हम start करेंगे इसकी working exercise number D से. Do you remember we studied about describing words? Describing words are called adjective, and adjective is a word that describe a noun. For example, red rose, cute baby, big car. अब यहाँ पर noun सबको पता है noun क्या है. Noun किसी भी animal, place, thing, girl या boy का name, किसी का भी name हो उसे हम noun कहते हैं. अब अगर noun को कोई word अगर describe करता है, noun को ही अगर कोई और mention करे, उसकी खासियत बयान करे या बुराई बयान करे, तो उस चीज़ को हम कहते हैं एडजेक्टिव. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक रोज़ दिया हुआ है और डैश रोज़. रोज़ क्या है? रेड रोज़ है, तो यहाँ पे मैंने रेड लिखा है. रोज़ नाउन है और नाउन को ही ये डिस्क्राइब कर रहा है कि रोज़ किस कलर का है. तो रोज़ रेड है, तो रेड रोज़ यहाँ लिख दिया, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा. इसी तरह यहाँ पर आर डैश बलून, ये जो बलून है क्या है? बिग है, तो हम यहाँ पर बिग बलून लिख देंगे, तो ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. डैश कार, कार क्या है? रेड कार है, तो यहाँ मैंने रेड लिख दिया. हम बिग कार भी लिख सकते हैं, रेड कार भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. द एलिफेंट इज़ डैश, एलिफेंट क्या है? बिग है, तो यहाँ पर मैंने बिग लिख दिया. माई हैंड हैज़ डैश फिंगर्स, अब फिंगर्स क्या है? नाउन है, और इसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि मेरे हाथ में फाइव फिंगर्स हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइव. अब उसके बाद हम एक्सरसाइज आ जाते हैं नीचे, लेट्स लिसन पर. यहाँ पर आपको ये फिलिंदा ब्लैंक्स फिल करनी है. वी ऑल वॉन्ट डैश, यानी हम सबको फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, फ्रेंड्स सबके होते हैं. वी मेक फ्रेंड्स टू डैश एंड डैश, हम फ्रेंड्स किस लिए बनाते हैं? ताकि हम उनके साथ खेल सकें, प्ले एंड डैश शेयर थिंग्स, और अपनी चीज़ें उनके साथ शेयर कर सकें. नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम. नेक्स्ट पेज पर थर्ड वाली फिलिंदा ब्लैंक्स, वी मेक फ्रेंड्स विद बॉयज़ एंड गर्ल्स वी डैश, यानी हम फ्रेंड्स किनको बनाते हैं? बॉयज़ एंड गर्ल्स को, और हम साथ खेलते हैं, ऑल प्ले टुगेदर. फ्रेंड्स मेक अस लाफ एंड फील हैप्पी, यानी फ्रेंड्स हमें हंसाते भी हैं और फील हैप्पी, और हमें खुश भी करवाते हैं. फ्रेंड्स डैश अस, यानी फ्रेंड्स हमारी हेल्प भी करते हैं. व्हेन वी आर डैश और, यानी जब हम मुश्किल में होते हैं, इन ट्रबल, और डैश देयर हेल्प. वी शुड ऑलवेज रेडी फॉर देयर हेल्प, यानी हमें हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए. देन उसके बाद नेक्स्ट नीचे की तरफ आ जाएं आप लोग. एक्टिविटी टाइम पर ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द फ्लावर यू लाइक द बेस्ट, नेम एंड कलर देम, यानी आपको यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में एनी टू लिखा है, क्योंकि बहुत सारे पिक्चर्स आप लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए आप कोई भी दो पिक्चर्स जो हैं फ्लावर्स की वो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और उनके नेम भी लिखेंगे. उनमें कलरिंग भी करनी है और उसमें नेम भी लिखना है. इसी तरह आप लोग पेंसिल से दो कॉलम्स बना लेंगे. वन फर्स्ट पिक्चर आप यहाँ बनाएंगे, सेकंड पिक्चर आप यहाँ पर बनाएंगे. देन यहाँ पर आप लोगों की टेक्स्ट बुक की वर्किंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है. अब हम आ जाते हैं इसकी कॉपी की वर्किंग पर. कॉपी की वर्किंग हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे मैंने आप लोगों को पहले समझाया था. अब मैंने ब्लू कलर और पेंसिल का यूज़ किया है, जो आप लोगों को भी अपनी पेंसिल कॉपी में यूज़ करना है. अ डजन रोजेज़ पोएम ब्लू कलर से लिखेंगे, उसके नीचे राइटिंग पेंसिल से, वर्ड्स मीनिंग पेंसिल से, वर्ड्स अपोजिट्स पेंसिल से, देन क्वेश्चन आंसर्स भी पेंसिल से. और यहाँ पर जैसे मैंने सीरियल नंबर दिए हुए हैं, आपको भी बिल्कुल सीरियल नंबर उसी तरह लिखने हैं, और आपको डेट्स भी सब में लिखनी है. मैंने यहाँ पर एक में लिखी है, लेकिन आप लोगों को भी सब में ही डेट्स लिखनी है. देन उसके बाद आ जाते हैं हम. यहाँ तक की वर्किंग सब ने डन कर ली है. अब हम यहाँ पर न्यू टाइटल पेज बनाएंगे, जो है अ डजन रोजेज पोयम. ब्लू कलर से आपको इसका टाइटल पेज बनाना है. देन वन पेज राइटिंग करेंगे, डेट एंड HW आपको हर पेज पर मेंशन करना है. राइटिंग आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक से देखकर करेंगे. देन नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, अगेन डेट एंड HW मेंशन करेंगे. वर्ड्स मीनिंग, द
ब्लू कलर से लिखना है, टू कॉलम्स आपको ड्रॉ करने हैं, वर्ड्स आपको ब्लू कलर से मेंशन करने हैं और मीनिंग्स आपको पेंसिल से लिखने हैं। फोर वाला जो वर्ड है ये थोड़ा वर्ड जो है उसका बड़ा था, इसलिए मैंने उसका वर्ड जो है नीचे लिखा है। अगर आप लोगों की स्पेस नहीं है तो आप लोगों को भी नीचे ही इसका वर्ड लिखना है। देन ये वर्ड्स मीनिंग है जो आप लोगों को कंप्लीट करने हैं इसी तरह अपनी कॉपी में। देन नेक्स्ट पेज पर वर्ड्स अपोजिट, अगेन डेट एंड सी डब्ल्यू एच डब्ल्यू आपको मेंशन करना है। वर्ड्स अपोजिट्स ब्लू कलर से लिखेंगे, वर्ड्स आपको ब्लू कलर से लिखने हैं और अपोजिट्स आप लोगों को पेंसिल से लिखने हैं। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन आंसर्स, डेट एंड एच डब्ल्यू मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन आप लोगों को इसी तरह ब्लू कलर से लिखना है। क्वेश्चन नंबर वन है, हाउ मैनी रोजेज डिड द पोएटिस गॉट, यानी पोएटिस को कितने रोजेज मिले थे। द पोएटिस गॉट अ डजन रोजेज, पोएटिस को 12 रोजेज मिले थे। हाउ डिड द पोएटिस फील आफ्टर गिविंग अवे ऑल द रोजेज, यानी पोएटिस को सारे रोजेज देने के बाद कैसा महसूस हुआ था। द पोएटिस फील वेरी हैप्पी एंड रिसीव अ बिगेस्ट जॉय बाय गिविंग अवे ऑल द रोजेज, उसे सारे रोजेज देने देकर बहुत खुशी महसूस हुई थी। अब आपको यहाँ तक की वर्किंग अपनी डन करनी है, इससे आगे की वर्किंग मैं अपनी न्यू वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।